हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली गार्लिक ब्रेड। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमने बहुत सारे यहाँ पर गार्लिक लेने हैं और इसे इस तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। आप चाहे तो इसे किसी पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर इसे बारीक कट करके फ्राई भी कर सकते हैं, बस लहसुन का कच्चापन कम करना है। अब लहसुन को एक एक करके कद्दूकस करना है या बारीक कट कर लें और उसके बाद इसे एक बॉल में ट्रांसफर करना है। देन मैंने लिया है यहाँ पर अमूल का बटर। सो गार्लिक ब्रेड ना बहुत टाइप से बनता है, लोग इसमें वेजीज भी ऐड करते हैं जैसे कैप्सिकम हो गया एंड ऑनियन हो गया। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अब क्या करना है, बटर को बॉल में ऐड कर लेना है, देन मिक्सी जार लेना है, उसमें कुछ कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते लेना है और उसमें 3 से 4 हरी मिर्च लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। देन 1 टेबल स्पून पेस्ट को बॉल में ऐड कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट को डाल सकते हैं, मींस ज़्यादा स्पाइसी या कम स्पाइसी कर सकते हैं। देन सम चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देना है, देन इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास ऑरिगेनो हो तो ज़रूर से इसमें ऐड करना, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आप लोग के पास हो तो इसमें ज़रूर डालना। फिर हमें लेना है ब्रेड, आप लोग कोई भी ब्रेड ले सकते हो, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जो भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिया है और एक एक करके मैं इसे प्लेट में रख रही हूँ। देन इस पे अप्लाई कर देना है सम बटर, अच्छे से इसे बटर को लगा देना है सारे ब्रेड्स पे। देन अभी मैं जो पेस्ट मैंने बनाया था तो मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ सारे ब्रेड्स पे, अच्छे से लगा देना है। फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों या फिर अपने हस्बैंड के टिफिन बॉक्स में भी आप लोग इसे दे सकते हैं, वो लोग बहुत इंजॉय करके इसे खाएंगे। सो पेस्ट को अच्छे से सारे ब्रेड्स पे लगा देना है। देन मैं यहाँ पर चीज़ भी डाल रही हूँ ताकि हमारे ब्रेड बहुत ही चीज़ी से लगे। फिर लेना है एक नॉनस्टिक पैन, उस पे बटर लगा देना है अच्छे से, ब्रश की हेल्प से बटर को अच्छे से कोने कोने तक लगा देना है। देन एक एक करके ध्यान से ब्रेड को पैन पे रखना है, सारे ब्रेड्स को एक साइड से ही पकाना है, इसे अच्छे से ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि हमारे चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। सो यहाँ हमारे चीज़ भी मेल्ट हो गए हैं, अब इसे अच्छे से निकाल लेना है, गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं हमारे चिली गार्लिक ब्रेड। आप भी बनाओ, अपने फ्रेंड्स को खिलाओ, मज़े करो, लाइफ में और कुछ नहीं रखा है। सो खाओ पियो, मज़े करो, और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।